आत्मा नमस्ते। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर मेघा गोयल। कहते हैं ना कि औरत घर को स्वर्ग बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है, पर अगर उसी औरत महिला की तबीयत ठीक ना हो तो घर अपने आप बिगड़ जाता है। क्या आपकी तबीयत भी कुछ खराब रहती है? तो आज अच्छे से ये बातें नोट कर लें। ये आज का वीडियो आपके पूरे घर की हेल्थ और स्पेशली लेडीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, साथ ही आर्थिक दिक्कतें भी ज़्यादा हो सकती हैं। महिलाओं की, आपकी, मेरी, हम सब की ज़िंदगी किचन में निकलती है। कितना ही आप खाना बनाने वाला महाराज या मेड रख लो तो भी आपका टच होता है खाने में। मैंने देखा है जिस घर में बिल्कुल किचन महाराज के या मेड के हाथ में होती है, वहाँ ना तो अच्छे से खाने की वैरायटी होती है और ना कोई सफाई, और टेस्ट तो सिर्फ घी और तेल का होता है। माँ तो सबकी हेल्थ का ध्यान रखकर खाना बनाती है। वो कहते हैं कि माँ का अगर हाथ भी लग जाए तो ही खाने का स्वाद बढ़ जाता है। वो इसलिए क्योंकि माँ बहुत प्यार से खाना बनाती है। आप भी अपनी फैमिली के लिए प्यार से खाना बनाते हो और उन्हें खाता देख के सेटिस्फेक्शन आपको होती है ना? आई नो। पर अगर घर की लेडीज़ की तबीयत खराब हो तो बहुत दिक्कतें होती हैं। मैं बार बार लेडीज़ की तबीयत के बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि घर की किचन अगर गलत डायरेक्शन में हो तो सबसे पहले घर की लेडीज़ की तबीयत खराब होती है और बाद में बाकी घर के लोगों की भी हेल्थ इश्यूज आने चालू हो जाते हैं। मगर मेजॉरिटी किचन में सबसे ज़्यादा वक्त लेडीज़ का निकलता है। आप सबका भी वक्त किचन में निकलता है ना? या आपने अपनी माँ, भाभी, बीवी को भी देखा होगा कि वो ऑफिस से या शॉपिंग से आके वो किचन में जाती हैं, ज़रूर एक राउंड तो लगाती ही हैं। तो आज मैं आपको थोड़े वास्तु टिप्स दे रही हूँ घर की एक डायरेक्शन के, जो बहुत ज़रूरी हैं। अगर वहाँ गलत चीज़ें रखी हैं तो बहुत दिक्कत हो सकती है, घर में बहुत बीमारियाँ या आर्थिक दिक्कतें हो सकती हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा गोयल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। माय चैनल डिवाइन सोल्स टॉक अबाउट दिस सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते ज़रूर लिखिएगा। आज हम बात करेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन की। घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि साउथ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में होता है साउथ ईस्ट। ये अग्नि की जगह है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सूर्य की किरणें भी सबसे ज़्यादा इसी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आती हैं। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है आपके घर का अग्नि कोण है और यहाँ सबसे ज़्यादा गर्म ऊर्जा होती है। घर की किचन हमेशा घर के साउथ ईस्ट में होनी चाहिए और गैस का चूल्हा भी साउथ ईस्ट में ही होना चाहिए, और आपका खाना बनाते हुए जो फेस है वो ईस्ट की डायरेक्शन में होना चाहिए। इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं और खाने में एक हेल्थ जो रेज हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ती हैं। गलती से भी यहाँ पानी का काम नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है एक घर में, जब मैं गई थी उनका वास्तु एनालाइज करने, तो उनके साउथ ईस्ट में उन्होंने बाथरूम बनाया हुआ था। वहाँ उनको जो प्रॉब्लम फेस हो रहा था वो उनको इतनी आर्थिक स्थिति की दिक्कत थी कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। उनके सामने इतनी मुश्किलें आ गई थी कि पैसा सेव ही नहीं हो रहा था उनका। दूसरा, घर में साउथ ईस्ट में कपड़े धोने का स्थान भी नहीं होना चाहिए। ये तो मेजर दिक्कत का काम है और उस घर की प्रॉब्लम में तो आपको मैं क्या बताऊँ, वहाँ घर में दो बार आग भी लग चुकी है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में तो एक छोटा सा पानी का नल भी दिक्कत ला देता है। यहाँ समझने की बात यह है, किचन में सिंक दिक्कत नहीं देता क्योंकि हम चूल्हे में और सिंक जो होता है उसमें हम एनर्जी को बैलेंस कर दोनों की प्लेसमेंट करते हैं। अगर आपका बेडरूम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है तो पति पत्नी में बहुत लड़ाई झगड़े रहेंगे, पति पत्नी में आपस में डिवोर्स तक की इश्यूज सामने आ जाएंगे।
हेल्थ की बात करूं तो बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां होंगी और दवाई आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन और करेक्ट चूल्हा होने से उसमें बना खाना भी लोगों के लिए अमृत के समान होता है। घर में लोगों में आपसी प्यार भी बढ़ता है। वास्तु करेक्शन रेमेडी के लिए आप क्या करें, आप घर के साउथ ईस्ट में एक कामदेहु गाय यानी कि कामदेहु काउ का एक स्टैचू ले और वहां पे आप लगाएं। ये स्टैचू जो होना चाहिए वो कॉपर का होना चाहिए, तांबे का। इससे आपको पैसों की जो दिक्कत है वो दूर होगी, आपके साउथ ईस्ट की एनर्जी बैलेंस होगी और आपके जीवन में उन्नति के रास्ते खुलेंगे। साउथ ईस्ट में आप एक मनी प्लांट भी रखें, इससे घर में आपसी प्रेम बढ़ेगा, आपकी मुश्किलें या ये कहूँ आपकी हर प्रकार की परेशानियाँ कम होंगी। ध्यान रखिएगा, मनी प्लांट का जब हम पौधा लगाते हैं तो उसको अच्छे से बांध के लगाते हैं। मनी प्लांट के पत्ते जो हैं वो झुकने नहीं चाहिए, डाउनवर्ड्स यानी कि ज़मीन की तरफ नहीं होने चाहिए, ज़मीन को टच नहीं करने चाहिए। तो जब पेड़ बढ़ेगा, उसके पत्ते बढ़ेंगे, तो ध्यान रखिए उसको आप कलावे से या किसी धागे से उसको बांध के आप ऊपर की तरफ उसका बेल चढ़ाएं। हर डायरेक्शन की एक एनर्जी है, अगर हम उसे सही इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदा होगा। एनर्जी के अगेंस्ट गए तो दिक्कतें तो आएंगी। आपको एक बार अपना घर वास्तु की नज़र से ज़रूर चेक करवाना चाहिए ताकि सही रास्ते से घर व्यापार सब में खुशियां बनी रहें और घर में प्यार बढ़े, घर एक स्वर्ग जैसा सुख आपको दे। आप मुझे भी घर बुलाकर कॉफ़ी पिला सकते हो, बस एक मैसेज भेजो, अपॉइंटमेंट बुक करो और मैं आ जाऊंगी। तब तक के लिए खुश रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यहीं फैलाते रहे। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माय नेम इज मेघा गोयल, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच। एंजल्स लव फॉर एवरीवन। आत्मा नमस्ते।